दोस्तों आप देखे होंगे कि अगर आप अपने ब्राउजर पे इंस्टाग्राम को सर्च करते हैं तो इंस्टाग्राम की जो वेब पेज है वहाँ पर आप सपोज जाते हैं तो वहाँ पर जो है आप सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, मीन्स आप अपनी प्रोफाइल की इंस्टाग्राम पेज हो उसको सिर्फ देख सकते हैं, मीन्स स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कोई भी अपलोड का ऑप्शन नहीं है। मीन्स वहाँ से आप जो है स्टोरी या फिर फोटो या फिर वीडियो कुछ भी जो है अपलोड आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के पेज के अंदर कैसे किसी भी फोटो या फिर वीडियो को आप अपलोड कर सकते हैं। मीन्स ब्राउजर में आप छोटा सा एक सेटिंग्स को जो है चेंज करके आप इजीली ये ट्रिक्स जो है कर सकते हैं। मीन्स जैसे आप अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं वैसा ही आप अपने ब्राउजर पे भी इंस्टाग्राम को जो है यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी इमुलेटर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली अपने ब्राउजर पे एक छोटा सा सिंपल सा सेटिंग्स को चेंज करके आप इजीली वो जो है कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने ब्राउजर पे इंस्टाग्राम को नॉर्मल लिखकर सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और आप अपनी यहाँ पर जो है अपनी आईडी और पासवर्ड देकर यहाँ से जो है लॉगिन करते हैं, तो यहाँ से आप जो है सिंपल इंस्टाग्राम को ब्राउज कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये ग्रोइंग पॉइंट का पेज है। यहाँ से जो है मैं इसको सिंपल सा जो है ब्राउज कर सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर जो है कोई भी अपलोड का ऑप्शन आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो भी है मैं ग्रोइंग पॉइंट को सिर्फ ब्राउज कर सकता हूँ। नीचे जो अपलोड का ऑप्शन होता है ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, सिंपल यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा सेटिंग्स को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर जो है मुझे अपलोड का ऑप्शन जो है मिल जाएगी। तो मैं सिंपली आपको यही दिखाता हूँ कैसे आपको करना है सिंपल। तो सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। अब आपको जो करना है सिंपल सा आपको 3 डॉट पे सबसे पहले क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जाना है सिंपल सा मोर टूल ये वाली ऑप्शन पे। आप देखेंगे यहाँ पर मोर टूल वाली ऑप्शन है, मोर टूल पे जब भी आप कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। तो सिंपल सा आपको जो है जाना है डेवलपर टूल ये वाली जो लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कुछ कोडिंग आ गया और यहाँ पर जो है इस वाली सेक्शन ऐसा हो गया। तो अब आपको जो करना है यहाँ पर ऊपर में आपको कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा ये वाली जो ऑप्शन है फोन का यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो आप देखेंगे कि फोन के फॉर्मेट में ये वाला पेज यहाँ पर आ गया। तो सिंपल सा आप सर्च में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करना है सिंपल आपको इंस्टाग्राम, ठीक है। आप इंस्टाग्राम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आ गया और यहाँ पर मैं जो है इंस्टाग्राम को लॉग इन करता हूँ यहाँ से। अब आप देख सकते हैं ये जो है फॉर्मेट पूरा फ़ोन के फॉर्मेट में आ गया सिंपल, और आपको यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं सिंपल पहले जो है इसको लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख सकते हैं जैसे फ़ोन में इंस्टाग्राम आते हैं वैसा ही मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम आ गया। तो सिंपल मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम मेरा जो पेज है यहाँ से ओपन कर, तो यह बिल्कुल जो है फ़ोन की फॉर्मेट में यहाँ पर आ गया आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फ़ोन में होता है पूरा सब कुछ यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप जो है फोटो वगैरह स्टोरी सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल प्लस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपल प्लस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप यहाँ पर से ओपन हो गया, ठीक है। आप यहाँ से किसी भी अपनी किसी भी इमेज को जो है यहाँ से ले सकते हैं और सिंपल सा यहाँ पर जो है आप अपलोड इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर स्टोरी भी आप डाल सकते हैं। आप कुछ नॉर्मल जैसे फ़ोन में आप यूज़ करते हैं वैसा ही आप यहाँ से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आपकी इंस्टाग्राम को जो है वेब पेज में मीन्स गूगल क्रोम में आपको यूज़ करना है तो सिंपल सा इस ट्रिक्स को आप अप्लाई कीजिए। सिंपल सा कुछ सेटिंग्स को आपको चेंज कीजिए और नॉर्मली जैसे फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हैं वैसा ही आप जो है इंस्टाग्राम को भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा आज का वीडियो कि आप अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स वहाँ पर कैसे आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी ज़रूर बताइएगा। और लास्ट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।